मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले दल बदल की सियासत भी देखने को मिल रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह ने भी आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। उन्हीं से जान लेते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह बन रही है कि कांग्रेस के तमाम नेता कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। यादवेंद्र सिंह जी, आप कांग्रेस से विधायक भी रहे हैं और अब ऐसा क्या चल रहा है कांग्रेस संगठन में कि लगातार नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं? ये सब कमलनाथ जी की देन है। जो आपकी टिकटें बटी थी, नागौर सीट हमारी, हर व्यक्ति पूरा संभाग प्रदेश सब ही लोग जो मुझे जानते थे सब लोग यही कहते थे कि नागौर की टिकट सीट निकल जाएगी कांग्रेस की। हमने बहुत मेहनत किया, 40-45 साल कांग्रेस में रहे, राजाओं से लड़ते रहे वहाँ पे नागौर में, सतना जिले में। उसके बाद विधायक भी एक बार बने, दोबारा जब 2018 में 635 वोट से हारे, 30,000 हारे वालों को कमलनाथ ने टिकट दिया, हमारे ज़िले में दिया, कटनी ज़िले में दिया, रीवा में दिया, हर जगह दिया, हमारी टिकट काट दिया 635 वोट वालों को। तो मैंने कहा था जब मैं बहुजन समाज पार्टी में कि तुम्हें मजा चखाऊंगा, आज उसी का नतीजा है कि आज वो इतना बड़ा उद्योगपति दो कौड़ी का हो गया कांग्रेस में, किसी की तरह की उसकी कोई इज्जत नहीं है। तो हम चले गए बहुजन समाज पार्टी में, वहाँ भी हमारा दूसरा नंबर रहा, प्रदेश में सबसे ज़्यादा मत मिले, और तीसरे में चली गई कांग्रेस। अब उसके बाद जब कांग्रेस में हमारा राजनीतिक करियर ही ख़त्म हो गया तो वहाँ हम जाने की इच्छा नहीं, ना हम गए, हमने साफ मना कर दिया वहाँ के नेताओं को, जिन लोगों ने हमसे कहा कि अब काहे के लिए बुला रहे हो भाई, जब पहले हमारा सब कुछ बिगाड़ दिया, बनी बनाई विधायकी चली गई, तो अब हम नहीं जाएंगे। हमको जनता ने 54,000 वोट दिया, पिछले बार जब मैं जीता था 18 में तब भी मुझे 55,000 मिले थे, तो दो तीन बार से मुझे उतना ही वोट मिल रहे हैं। अच्छा, आपने कहा कि जो 30,000 से ज़्यादा वोटों से हारे उनको भी कमलनाथ जी ने जो है टिकट दे दिया था, आपका लेकिन काट दिया, क्या वजह रही थी जो आपका टिकट काट दिया? कि मैं एक हमारे बिंद के कदावर नेता थे कुंवर अर्जुन सिंह के पुत्र, उनका साथ था, उनको मैं बिल्कुल तहे दिल से पहचानता था, आत्मा से उनको, उन्हीं के साथ रहता था। उस कमलनाथ तो कहीं लगा कि ये बीच में मुख्यमंत्री बनने में डिस्टर्ब करेगा, सही बात थी, वो जानते थे कि ये करेगा, इसीलिए मेरा काट दिए। अब जब काट दिए तो मैं अपना बहुजन समाज में चला गया, तो बहुजन समाज में मुझे स्नेह प्रेम बहुत मिला, वहाँ से कोई का भविष्य तो मध्य प्रदेश में था नहीं। भाई गणेश सिंह 20 वर्षों से सांसद थे, जिला पंचायत अध्यक्ष थे, उनका कभी द्वेषता की राजनीति उन्होंने नहीं किया, सबको साथ लेके चले हैं, वो हमेशा सम्मान किए हैं हमारा, तो उनके अनुरोध पे हम जब वो आए। यादवेंद्र सिंह जी को अजय सिंह राहुल भैया का भी करीबी कहा जाता है, तो आपने जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की तो राहुल सिंह अजय भैया से बात हुई आपकी कि अजय सिंह राहुल भैया से बात हुई कि आप भाजपा में? पार्टी ने उनको विधायक बना के खड़ा कर दिया विधानसभा 64 में। वो क्यों कहेंगे जब मुझे पिछली बार टिकट उनकी नहीं चली, नहीं दिलवा पाए, चाहे दिग्विजय सिंह जी हों चाहे कोई भी हो, तो वहाँ जाने का मेरा प्रश्न ही नहीं उठता। भाजपा में आए तो बात हुई होगी आपकी, आप तो बड़े करीबी नेता हैं उनके। नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई है उनसे हमारी, ना उन्होंने रोका ना कहा कि जाओ, उनसे कोई लेना देना नहीं हमारा इस मामले, हमारा व्यक्तिगत निर्णय। अच्छा, जीतू पटवारी जो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने, जैसे कहा ना पीढ़ी परिवर्तन हो रहा है कांग्रेस में, उमंग सिंघार को नेता प्रतिपक्ष बनाया, उनके साथ में जीतू पटवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, तो पीढ़ी परिवर्तन का असर कांग्रेस में कुछ सही रहेगा? नेता जो है सीनियर नेता, चाहे पचौरी जी हो चाहे कोई हो, जीतू को कोई बर्दाश्त नहीं कर रहा, क्योंकि जीतू में कुछ लड़कपन है। मैं उसके साथ विधायक रहा हूँ, मैं जानता हूँ, जहाँ भी जाता था वो लठ चलवाता था, हमारे भी लाठी पड़ी थी सतना में एक बार। तो जीतू का उतना बड़ा वर्चस्व नहीं है कि उसके अंडर में कांग्रेस के लोग रहें, ये उसमें कारण। जब से जीतू पटवारी अध्यक्ष बने ज्यादातर कांग्रेस के बड़े नेता और ज्यादातर लोग छोड़ के चले गए, इंदौर नहीं संभाल पाया। आप देख रहे हो इंदौर की लाइन लगी है, सभी लोग चले गए, कोई बचे कहाँ इंदौर में, चाहे संजय रहा हो चाहे पंकज रहा हो, सब लोग चले गए इंदौर के, तो इंदौरे में नहीं बचे, तो अब यहाँ कहाँ बचेंगे, प्रदेश में तो कुछ ठीक ठाक तो है। जनता पार्टी में आ गए आप, कोई बातचीत हुई क्या कोई पद की या फिर आगे की जिम्मेदारी? हमें लालच नहीं है ना कोई पद के लालच में, हम आए सिर्फ
गणेश सिंह के अनुरोध में हम आए हैं। बिल्कुल, ये यादवेंद्र सिंह हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं, पूर्व विधायक भी रहे हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले इनका टिकट कट गया था, ये बहुजन समाज पार्टी में चले गए थे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। और इनका यही कहना है कि कांग्रेस में अब जिस तरह की स्थितियां हैं, जीतू पटवारी अध्यक्ष बने हैं तो वो ज़्यादातर उनकी वरिष्ठ नेताओं से ताल नहीं बैठ रही है, संगठन ठीक तरह से नहीं चल रहा है और अब जो है स्थिति और बेकार हो सकती है, ऐसा इनका कहना है। लेकिन जिस तरह से प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष कमलनाथ पर भी इन्होंने काफी निशाना साधा है। भोपाल से टीवी 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान।